नमस्ते बच्चों, हमने पहले वाले वीडियो में संत तिरुवल्लुवर उनके दोहों के बारे में जानकारी ली थी और आज हम लोग जानकारी लेंगे संत कबीर के दोहों के बारे में। लेकिन उसके पहले संत कबीर के लाइफ के बारे में यानी जीवन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखो क्या है उनके बारे में जानकारी। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीरदास जी का नाम का जिक्र सबसे पहले होता है। मतलब भारत में या फिर हमारे इंडिया में जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारे लैंग्वेजेस है, उनके बारे में या फिर हमारे रिलीजन के बारे में जब भी डिस्कशन होता है तो सबसे जो पहला नाम होता है वो संत कबीर का आता है, क्योंकि उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। जो उनके दोहे, उन दोहों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो भारत का कल्चर है, जो संस्कृति है, उनको प्रदर्शित किया गया है। उनका जन्म वर्ष 1440 में और मृत्यु वर्ष 1518 में हुई थी। उनका जब जन्म कब हुआ था, 1440 में और मृत्यु हुई थी 1518 में। तो ये हो गए संत कबीर की बारे में जानकारी। अभी देखते हैं उनके कुछ दोहे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होय गई, बहरू करेगो कब। यहाँ पे देखिए दो चित्र है। पहले वाले चित्र में एक किसान है जो समय पर मतलब टाइम पर अपना काम कर रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट उसे क्या मिलेगा कि उसका जो क्रॉप से या फिर जो फसल है वो अच्छी आ जाएगी, है ना। और दूसरा चित्र देखिए, उसमें क्या हुआ, वहीं एक और एक फार्मर है या फिर किसान है, वो उसने अपना काम समय पर नहीं किया तो इसे क्या हो जाएगा, तो उसे अच्छी फसल नहीं मिलेगी, फसल यानी उसके अच्छे क्रॉप्स नहीं आएंगे। करेक्ट, मतलब टाइम पे सब कुछ काम टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। अभी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं क्या है। काल करे सो आज कर, मतलब जो तो तुम टुमारो करने वाले हो या फिर कल करने वाले हो आज करो, और आज करे सो अब, और जो आज करने वाले हो अभी करो, मीन्स वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू टुमारो डू इट टुडे, एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इट टुडे डू इट नाउ इटसेल्फ, क्योंकि हमें अपना काम कभी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अभी दूसरी पंक्तियाँ देखो क्या है। पल में परलय होय गई, बहरू करेगो कब, मतलब जो टाइम है ना, समय, वो हमारे हाथ में नहीं, कंटिन्यूसली इट विल गो, इट विल नॉट वेट फॉर एनीवन। करेक्ट, वेदर टाइम विल वेट टू एनीवन, नो, वो कभी किसी के लिए वेट नहीं करता, और इसीलिए हमें टाइम के साथ चलना चाहिए। करेक्ट, अगर हम लोग टाइम यानी समय को बर्बाद करते हैं तो हम लोग सबके पीछे रह जाएंगे और हमारे लाइफ में या फिर परीक्षा में कभी सफल नहीं होंगे, कभी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। तो ये इन दो पंक्तियों का अर्थ है। अभी आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। यहाँ पे देखिए दो चित्र है। पहले वाले चित्र में लड़के को बहुत गुस्सा आ गया है, वो बहुत एंग्री है। अगर इसी लड़के के साथ हमने प्यार से बातें की तो क्या हो जाएगा, वो हैप्पी हो जाएगा। अगर हमने फिर से उसे गुस्से में बात की तो क्या हो जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। और दूसरे चित्र में देखिए, एक माँ अपने बच्चे को प्यार से समझा रही है तो बच्चा बहुत खुश है। यही दो चित्र है। इन दो चित्रों का अर्थ इन दो वाक्यों से समझ में आता है। देखिए कैसे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब हमें ऐसा बोलना चाहिए, जो भी लोग गुस्से में है ना, जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, मतलब हम लोग जैसा बोलेंगे ना, वैसे ही जो सामने वाले लोग हैं या फिर सुनने वाले लोग हैं वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अगर हम लोग सबसे प्यार से बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर किसी आदमी को या फिर सुनने वाले को बहुत गुस्सा है ना, तो उसका गुस्सा है, मतलब उसका जो एंगर है ना, वो भी शांत हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही शांत बोलना चाहिए, सबसे स्वीटली बोलना चाहिए, मतलब सबसे कैसे बोलना चाहिए, मधुर या पे मीठी भाषा में बोलना चाहिए।
अगर हम लोग गुस्से में बात करें तो क्या हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति को भी गुस्सा आ सकता है। तो हमें हमेशा सबके साथ प्यार भरी बातें करनी चाहिए और यही इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है। तो आपने पहले वाले में तिरुवल्लुवर के बारे में पढ़ा था, अब हमने इस वीडियो में पढ़ा था संत कबीर के दोहों के बारे में। दोनों के दोहे अलग अलग है लेकिन उनका जो अर्थ है, अर्थ तो एक ही है। मतलब हमें कैसा रहना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। और यही बातें संत तिरुवल्लुवर और संत कबीर अपने दोहों में करते हैं। तो यहीं पे जो हमारा अनमोल दोहे पाठ है यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद मेरे सभी बच्चों को।